गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट लाए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है और इस वर्ब में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये सारे चीज को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे हमको मालूम पड़ेगा एक ट्रांजिटिव वर्ब है या ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, कौन सा इन ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते, देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का डिफिनेशन देखेंगे। बोलते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स। मीन्स वंस अगेन, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स। मीन वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। मीन एक बार फिर समझोगे, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग्स अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। देखो, यानी फॉर एग्जांपल, जैसे वर्ब क्या है, जैसे इसमें कहा गया है अनुज हंसता है। अब अनुज के बारे में क्या कहा गया है, लॉफ्स। अनुज के बारे में क्या कहा गया है, अनुज हंसता है। अनुज क्या करता है, हंसता है। तो जो अनुज के बारे में क्या कहा गया है, अनुज जो क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है, हंस रहा है। यानी कि अनुज के बारे में कह रहा है कि ये हंस रहा है, तो यानी कि ये क्या हुआ, कौन बता रहा हंस रहा है, कौन सा वर्ड है वो जो बता रहा है हंस रहा है, ये लाफ वर्ड बता रहा है। तो लाफ क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। मैंने क्या बताया, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। यानी कि ये वर्ड इस व्यक्ति के बारे में, इसके बारे में कह रहा है कि अनुज जो है क्या कर रहा है, हंसता है। कौन वर्ड बता रहा है हंसता है, लॉफ वर्ड बता रहा है। तो लॉफ क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। आया समझ में। जैसे मैं एक और देखता हूं, यहाँ पे क्या बोला है, राम बीट्स हिज ब्रदर। राम क्या करता है, अपने भाई को पीटता है। राम क्या करता है, अपने भाई को पीटता है। तो पीटना कौन वर्ड बता रहा है, यानी कि पीटना ये वर्ड क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो है पीट रहा है, कौन पीट रहा है, राम पीट रहा है किसको, अपने भाई को। तो ये जो पीटना बीट वर्ड है, ये जो इसके बारे में कुछ बता रहा है, पीटने के बारे में बता रहा है, वो अपने भाई को पीटता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, बीट वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। यानी कि फिर समझो, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, यानी कि ये इस व्यक्ति के बारे में कह रहा है, ये वाला वर्ड जो है इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो वह पीटता है, वह अपने भाई को पीटता है। यानी कि ये वर्ड जो है इसके बारे में, राम के बारे में बता रहा, तो बीट्स वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और राम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राम जो है सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, और किसको पीट रहा है, हिज ब्रदर, अपने भाई को, तो अपने भाई, उसका भाई क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ये है बीट वाला वर्ड है, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये जो है जो कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आया समझ में। बार बार इस सेंटेंस को इसीलिए हमें बता रहा हूँ, इस डिफिनेशन को मैं बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग्स अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आया समझ में। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मीन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान देना, वर्ब जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें दो ही आप देखेंगे। इसके पास और भी लिंकिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोग इसमें क्या कवर करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हम ये देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। वर्ब मीन क्या होता है, वर्ब मीन क्रिया ही होता है, वर्ब मीन क्रिया। यानी कि ट्रांजिटिव सकर्मक, वर्ब मीन क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब मीन क्या होता है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्मक यानी कि
जो जो सब्जेक्ट या जो वर्ब ऑब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक। कर्म के साथ साथ क्या कहलाएगा? यानी कि वर्ब के साथ साथ क्या आएगा? कर्म भी आएगा, कर्म को साथ में लेके चलता है तो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। अभी एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं डिटेल में। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? अकर्मक क्रिया। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अब हम ये देखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझना। सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब होता है ए वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ए वर्ब विच रिक्वायर्ड, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अपना अर्थ पूरा करने में, अपना अर्थ कंप्लीट करने में जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ओके, ए वर्ब विच रिक्वायर्ड, जरूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, आफ्टर इट कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। यानी कि अपने कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में यानी उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए या जो वर्ब है उस वर्ब में ऑब्जेक्ट की जब जरूरत पड़ती है वो सेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, अब आता है इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या कहलाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे हम देखो यहां पे बोलते हैं, जैसे राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। अब क्या है? राम राइट्स ए लेटर, तो राइट्स क्या हो गया? ए वर्ब हो गया। राइट्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। और ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट जब किसी सेंटेंस में यानी कि वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट दिया रहे वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस का पूरा होता है जब वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट हो, तभी वो जो पूरा सेंटेंस कहलाता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें एकदम सीधा सीधा समझो, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इन ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब अब देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है वर्ब की जरूरत नहीं होती है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑब्जेक्ट। यानी कि ये अपना जो है सेंस, अपने पूरे सेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरे अर्थ को बताने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होती उसे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन वर्ड आप जानते हो, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब जैसे देखो यहां पे क्या है, राम राइट्स ए लेटर। अब क्या हुआ? एक्शन वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। राम राइट्स ए लेटर यानी कि इस पे एक्शन हो रहा है, यानी कि क्या है? एक्शन मतलब कोई कार्य जिससे हो, वो क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब, राम राइट्स ए लेटर। अब दूसरा देखो, जैसे हम ये बोले कि आई एम बिजी क्या हो गया? आई एम बिजी। एग्जाम्पल देखो, आई एम बिजी। अब क्या? मैं व्यस्त हूं तो क्या है? अब मैं व्यस्त हूं या मैं आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, तो क्या है? ये जो है ये क्या कहलाएगा? स्टेट वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्टेट वर्ब कहलाएगा। और दूसरा वर्ड क्या था?
कि आई एम राइट ए लेटर, ये एक्शन वर्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब जिसमें एक्शन, यानी जिसमें कार्य हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ओके, जिसमें कोई कार्य कर रहा। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि आई एम, जैसे कहा जाए आई कट एन एप्पल, मैं एक सेब काटता हूं। अब देखो आई कट, मैं काटता हूं, अगर इतना करता तो ये क्या कहलाता? आई कट। अगर मान ली हम इतना बोलते हैं आई कट क्या कहलाएगा? आई कट, मैं काटता हूं। अब पूरा सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना? आई कट जो सब्जेक्ट है वर्ब है, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब ही रहे वो क्या कहलाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। मैं काटता हूं, क्या काटते पता नहीं, तो मैं काटता हूं, तो क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन अगर कहा जाए आई कट एन एप्पल, अब ये क्या कहलाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। आया समझ में? लेकिन एक चीज और देखना, एक होता है जिसमें डबल वर्ब आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे कहा जाए राम गेव मी ए पेन, राम गेव मी ए पेन। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए है, दो ऑब्जेक्ट हैं। इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? एक किस प्रकार के ट्रांसिटिव वर्ब हैं? क्या है? डीआई ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसे डीआई ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, आपको समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं कि वर्ब क्या है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग्स अबाउट सम पर्सन आर थिंग्स, मीन वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनुज लॉफ्स, अनुज हंसता है, तो अनुज के बारे में क्या कहा गया? अनुज हंसता है। जो वर्ड किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है तो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे राम बीट्स हिज ब्रदर, तो बीट वाला वर्ड इसके राम के बारे में बता रहा है कि राम जो है अपने भाई को पीटता है, तो बीट वाला वर्ड क्या कहलाएगा? यह है वर्ब। अब काइंड्स ऑफ वर्ब हम लोग इसमें दो देखेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। अभी मैंने बताया ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जो वर्ब अपने सेंस को पूरा करने के लिए, जो वर्ब अपने सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट को भी रिक्वायर करता है, उसको भी जरूरी होता है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, यानी कि ये अपने सेंस को पूरा करने के लिए इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये क्या कहलाएंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था आई राइट से लेटर, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। देखो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब वहां पे बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है जब हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस मीन, एक्टिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि जब उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांसिटिव वर्ब में है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां पे बोलते हैं तो लेकिन उसमें जो है ऑब्जेक्ट छुपा रहता है, और ये सब डिटेल में हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्ड होता है जहां पे ऑब्जेक्ट भी उसमें छुपा रहता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। ओके, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे जो है फीडबैक भी दें कि आपको जो इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।